इत्तेहाद न्यूज को देखने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इत्तेहाद न्यूज और आईएनएन 7 में आप सभी का खैर मकदम। पूरा देश में कोरोना का कहर खतरनाक शक्ल अख्तियार कर रहा है। रोज पॉजिटिव, रोज मौतें, अब हर रोज की खबर बनती जा रही है। आज फिर बेलगाम जिला में 200 से भी ज्यादा पॉजिटिव पाए गए, 50 डिस्चार्ज भी हुए, तो फिर मौतों का आंकड़ा भी 10 से भी ज्यादा होने की खबर है। हर रोज मौतों का आंकड़ा अब 10-15 से भी आगे बढ़ता जा रहा है। आवाम में खौफ तो है, पर दो वक्त की रोटी के लिए घर से बाहर तो निकलना ही पड़ता है। लिहाजा आज टिपू सुल्तान संघर्ष समिति की जानिब से डीसी बेलगाम को मुतालबा पेश किया गया कि पूरा मुल्क कोरोना आलमी वबा से परेशान है, लाखों की तादाद में लोग मर रहे, पर भाजपा हुकूमत को राम मंदिर, टिपू सुल्तान जैसे मसाइल में ही दिलचस्पी नजर आ रही है। सभी जानते हैं कि मोदी हुकूमत हर महाज पर नाकाम है। देश मईशत की इंतहाई निचले मियार पर है, मईशत चरमरा कर गिर चुकी है, बेरोजगारी ने तारीखी आंकड़ा पार किया हुआ है, देश भुखमरी की कगार पर है। कांग्रेस का कहना है कि दुगने दाम में महंगे रफाइल खरीद कर जश्न मनाया जा रहा है, जबकि तमाम पैसा देश की जनता का ही तो है। मोदी हुकूमत या रियासत की हुकूमत हो, आवाम की दिशा भूल करने के लिए फिर से धर्म मजहब का खेल खेल रहे। टीपू सुल्तान शहीद ना सिर्फ कर्नाटक बल्कि इस देश की शान है, पर मुसलमानों से नफरत अपने जहन में रखने वाली भाजपा हजरत टीपू सुल्तान के सबक को स्कूली किताबों से हटाने का फैसला ले चुकी है, और यकीनन यह एक घटिया फैसला है। लिहाजा देश के मुजाहिद आजादी टीपू सुल्तान की तारीख को मिटाने की कोशिश कुछ भगवाधारियों की जानिब से की जा रही है, और भाजपा हुकूमत इन भगवाधारियों की पुष्ट पनाई कर रही है। अगर टीपू सुल्तान के सबक को फिर से किताबों में ना रखा तो कर्नाटक में TSS एहतजाज करेगी रियासती तौर पर, ऐसा जनाब आरिफ कटगेरी और फजल खान पठान ने इत्तेहाद न्यूज को बताया। इस वक्त TSS के अहम कारकुनान मौजूद रहे। आज टीपू सुल्तान संघर्ष समिति बेलगाम की जानिब से जो है डीसी को एक मेमोरेंडम दिया गया है। मेमोरेंडम देने की वजह यह है कि पिछले हफ्ते हमारे रियासत कर्नाटक के एजुकेशन मिनिस्टर सुरेश कुमार, उन्होंने जो है टीपू सुल्तान और हैदर अली और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिस्ट्री को जो है 7th स्टैंडर्ड के सिलेबस में से मंसूख किया है। हम चाहते हैं कि इसे दोबारा डालें। आखिर में हुकूमत, हम लोग जो है हुकूमत से पूछना चाहते हैं कि आप इन शहदा की हिस्ट्री डालने के बजाय, जो भारत का पहला आतंकवादी था, आज़ाद भारत का पहला आतंकवादी नत्थूराम गोडसे की हिस्ट्री डालकर उसकी आइडियोलॉजी को लाना चाहते हैं क्या? आप बच्चों को ऐसी तालीम देना चाहते हैं जिससे हिंदू मुस्लिम फलाने फलाने झगड़े होकर हिंदुस्तान तबाह बर्बाद हो जाए? हम चाहते हैं कि टीपू सुल्तान की ज़ात हमेशा सेकुलरिज्म पर मुनबिज है, और हमेशा उन्होंने जो है बहुत सारे मनादिर, बहुत सारे मसाजिद, बहुत सारे चर्च भी बनवाए, कभी उन्होंने भेदभाव नहीं किया, तो आप कौन होते हैं उन नाम में भेदभाव करने के? तो हम हुकूमत से यही चाहते हैं कि जिस तरह से पहले सिलेबस में हिस्ट्री थी, वही हिस्ट्री वापस डालना चाहिए। इंग्लैंड से लेकर हिंदुस्तान तक टीपू सुल्तान की चर्चाएँ, आप लोग क्या टीपू सुल्तान को समझने वाले? हम चाहते हैं पूरी दुनिया में जो है टीपू सुल्तान का नाम मनवा लेते हैं, आपके कुछ ये करने से कुछ होने वाला नहीं है। तो हम चाहते हैं कि बच्चों, अफसोस इस बात का है आज पूरी दुनिया में COVID-19 कोरोना जैसी बीमारी से लोग, लाखों लोग मुतासिर हैं, ऐसे इसमें भी आप जो है ना सांप्रदायिक दंगे फैलाना चाहते हैं, और टीपू सुल्तान का सिर्फ ये है नाम की वजह से, जो मुसलमान थे इसी वजह से जो ना इनका नाम मंसूख किया जा रहा है, ऐसे हमें लगता है। इसीलिए हम हुकूमत को इंतबाह करते हैं कि आप जल्द से जल्द वापस जो है हिस्ट्री लोड करें। आज डीसी साहब को एक मेमोरेंडम दिया गया है कि जो 7th स्टैंडर्ड 6th स्टैंडर्ड के अंदर जो टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह का जो लेसन था, चैप्टर था, वो निकाले हैं। बड़े अफसोस की बात है, पहला टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह जब थे तब अंग्रेज परेशान थे, आज नहीं है तो भी भगवादारी सरकार परेशान है। मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि आज जो है महामारी के वजह से पूरी आवाम परेशान है, पूरी आवाम तकलीफ में है, मरने वाले का रिश्तेदार परेशान है, उनके बारे में सोचने के बजाय आप एक नीची, एक गिरी हुई सोच को लेकर जो है सरकार चला रहे हैं, और सिर्फ धर्म के ऊपर जो है सरकार चला रहे हैं। ऐसी हालत में भी जो है आप
धर्म के ऊपर राजनीति कर रहे हैं, बड़ी अफसोस की बात है। मैं जो है हमारे सीएम साहब को कहना चाहता हूं कि जो है लोग महामारी से मर रहे हैं, उनके बारे में आप सोचो, उनके बारे में कुछ भी, उनका जो है उनके ट्रीटमेंट के बारे में जो है एक प्लान बनाओ। ये आप टीपू सुल्तान के बारे में और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आप ये धर्म को लेकर के राजनीति मत करो। आपको अगर दिखाना है डेवलपमेंट तो जो है कोरोना जैसी महामारी जो बीमारी फैली है उस पर आप कुछ भी करो। आज भी जो है प्राइवेट हॉस्पिटल में 40-40 हज़ार रुपये एक दिन का ले रहे, आप उसके बारे में सोचो। ये ट्रीटमेंट, ये जो बीमारी है आम फैली हुई बीमारी है, इसको आप फ्री ऑफ कॉस्ट करने की कोशिश करो। ये करो, आपका नाम भी हो जाएंगे, आपकी इज्जत भी रह जाएगी। ये धर्म पर अगर आप चलाएंगे सरकार तो ये हमारे को लगता है ये ज़्यादा दिन चलने वाली नहीं सरकार। और हम आपसे गुजारिश करेंगे नहीं, और हम आपको सख्ती से सख्त अल्फाज में कहेंगे कि आप रिजाइन दे दो, ये सरकार को छोड़ दो आप। ये मेरा कहना है। और ये टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह का जो लेसन है ये वापस जो है 6th स्टैंडर्ड को और 7th स्टैंडर्ड को डालना चाहिए। अगर ये नहीं डालेंगे तो क्या डालने वाले? 56 इंच के सीने वाले का तो यार हिस्ट्री डालने वाले। बीवी को छोड़कर जो है भाग करके जो है राजनीति में आए हैं, और जो है नोटबंदी का डालने वाले हैं, कोरोना वायरस जैसी बीमारी फैली थी, ये आप हिस्ट्री बनाने वाले हैं। मैं पूछना चाहता हूँ सरकार से, मेरी इल्तिजा है, अगर आप ये नहीं डालेंगे तो हम जो है रोड पर स्ट्राइक करके जो है हम धरने पर बैठेंगे इसके बारे में। कोरोना आलमी वबा के चलते अंजुमन इस्लाम जिला बेलगाम की जानिब से इलाज करने का सिलसिला जारी है। आज सदर अंजुमन ने बताया कि जो भी लोग परेशान हैं अंजुमन से राब्ता कर सकते हैं। कई अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी होने की वजह से जान तक जाने के मामले पेश आए, लिहाजा अंजुमन की जानिब से ऑक्सीजन की सहूलत फराहम की जा रही है। आज शहर के मुख्तलिफ जगहों से अंजुमन से राब्ता कर ऑक्सीजन सिलेंडर को कईयों ने हासिल किया, लिहाजा अंजुमन की जानिब से टीम बनाई गई है जो घर घर पहुँच कर इलाज को अंजाम दिया जाएगा। इस इकदाम पर अंजुमन सदर जनाब आसिफ राजू सेठ, सेक्रेटरी समीउल्लाह माड़ी वाले व बोर्ड चेयरमैन गफूर घी वाले को मुबारकबाद दी जा रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कुछ रोज़ पहले उलमा इकराम की अंजुमन में बैठक हुई, मीटिंग हुई, उसके बाद डीसी साहब से भी मीटिंग हुई। ईद के जानिब से ये फैसला लिया गया है, और गवर्नमेंट से भी प्रोटोकॉल्स और एडवाइजरी आई है कि ईदगाह में नमाज नहीं होगी। और यहाँ मस्जिद का सवाल है, हर मस्जिद में सेफ डिस्टेंस रख के हम नमाज हमारी ईद के अदा करें। कोई हॉल या कोई दूसरी जगह ना करें, लोग जमा ना हो। आज के जो कोविड के हालात चले हुए हैं उसके ऊपर, और इसके साथ ही साथ 60 साल की उम्र से ज़्यादा हैं जो बुज़ुर्ग हैं हमारे, और जो हमारे बच्चे हैं 10 साल से छोटे, वो भी घर पे अपनी नमाज अदा करें कि कोई इफ़ेक्ट ना हो। और मस्जिद में भी सैनिटाइज़र, मास्क और वज़ू घर से ही करके आए। हम अंजुमन इस्लाम से और एक आपको चीज़ बताना चाहते हैं कि हम जो मरीज़ घर पे हैं उनके लिए हम ऑक्सीजन सिलेंडर्स मंगवाए हैं। अगर आपको कोई डॉक्टर रेफ़र किए कि सिलेंडर की ज़रूरत है तो हम ये सिलेंडर्स आपके घर तक पहुंचाएंगे। साथ ही साथ अगर किसी को कोई दवा की ज़रूरत है और डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन है तो आपको दवा भी यहाँ से प्रोवाइड करेंगे। आज इस बीमारी की वजह से हम कब्रिस्तान में देख रहे हैं कि मौत ज़्यादा हो रही है, लोग इसका शिकार, काफ़ी लोग शिकार हो रहे हैं, चाहे वो नौजवान हो या बुज़ुर्ग हो। तो हमारी सबसे दरख्वास्त है कि इस बीमारी की तो कोई इलाज नहीं है, लेकिन हम अपने आप की हिफाजत रखने के लिए सेफ डिस्टेंस मेंटेन करें, सैनिटाइज़र यूज़ करें, साबुन से बार बार अपने हाथ धोएं, और अगर कोई भी ज़्यादा तकलीफ़ हो तो हॉस्पिटल में एडमिट हो जाए। हम देख रहे हैं कि काफ़ी लोग घर पे ही परेशान होकर बैठे रहते हैं,
सिविल हॉस्पिटल में कल डॉक्टर साहब ने बताया कि अभी भी 200 बेड खाली है। तो हम यही आपसे दरख्वास्त करते हैं कि ऐसा कोई भी परेशानी हो, ज़्यादा सांस की तकलीफ़ या ज़्यादा निमोनिया हो, आप जाके अपना चेकअप कराइए, स्वैब टेस्ट लीजिए और एडमिट हो जाइए हॉस्पिटल में। अगर असिम्प्टोमेटिक है तो उन्हें हम डॉक्टर्स को सलाह लेके, एक डॉक्टर्स की टीम हमारे बनाई है, हमारे वॉलंटियर्स भी हैं, हमारी पूरी अंजुमन की टीम है, वो आपसे रब्ता रख के आपको घर में ट्रीटमेंट देने का जैसा सरकार का फैसला होता है वो हिसाब से हम करेंगे। और सबसे ज़्यादा खुद की और अपने घर की हिफाजत करना बहुत ज़रूरी है। और हम ये भी करें कि ईद हम बहुत आराम से मनाएं, कोई शोर शराबा नहीं। हालात ऐसे हैं, पूरा शहर परेशान है, पूरा ज़िला परेशान है, सभी मिलके हम इस बीमारी को लड़ना और इस बीमारी को हराने की हम कोशिश करें। बहुत बहुत शुक्रिया। आखिर अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। सभी जानते हैं कि किस कदर तबलीगी जमात को निशाना बनाकर धर्म विशेषण के मखसूस मज़हब को बदनाम करने की कोशिश की गई थी मीडिया को। मानो अब यही एक काम रह गया था कि किसी तरह तबलीग जमात के आड़ में मुस्लिम समाज को निशाना बनाया जाए, ताकि मरकजी हुकूमत की चापलूसी का कुछ इनाम इन्हें मिले। खैर, अब फिर से इनकी नफरत जाहिर हो चुकी है। दिल्ली की अदालत समेत तकरीबन 6 अदालतों ने विदेशी यानी बैरूनी जो जमातें आई हुई थी तबलीग जमात की, 70 अफरादों को गिरफ्तार कर चार्जशीट को दायर करने का हुक्म दिया गया है। वकील ने कहा है कि तबलीग जमात के अफराद इंडोनेशिया, ब्राज़ील, जिबूती, केनिया, तंजानिया, ऑस्ट्रेलिया, नाइजीरिया, दक्षिण अफ्रीका और अमेरिका से है। कड़कड़ुमा अदालत में 3 चार्जशीट दायर हुए हैं और दिगर 3 दायर किए जाएंगे। अब इन पर इल्ज़ाम लगाया गया है कि कोरोना वायरस के फैलने के लिए जिम्मेदार है, क्योंकि इन्होंने किसी सोशल डिस्टेंसिंग का एहतमाम वगैरह नहीं किया था। पर यह तमाम इल्ज़ाम पर गौर करने से पता चलता है कि सिर्फ मखसूस मजाहिब की तंजीमों को ही हिरासा करने के लिए तमाम किया जा रहा है। अगर ऐसा है तो फिर ट्रंप पर और प्रधानमंत्री मोदी पर भी मुकदमे दायर किए जाने चाहिए, ऐसा भी आवाम का कहना है। क्योंकि सबसे पहले तो विदेशी नमस्ते ट्रंप के जरिए भारत में बुलाए गए, इसके बाद मध्य प्रदेश में हुकूमत को तब्दील करने के बाद जो जश्न मनाया गया था, क्या वहां पर भी सोशल डिस्टेंसिंग था? क्या योगी आदित्यनाथ ने रामनवमी के मौके पर अयोध्या में बड़े बड़े इजलासों का एहतमाम किया गया था? मंदिरों में भीड़ ही भीड़ नजर आ रही थी। गुलबर्गा के सिद्धलिंगेश्वर यात्रा में हजारों की भीड़ उमड़ी हुई थी। श्री रामुलु खुद वजीर सेहत होने पर भी इन्होंने जन्मदिन के मौके पर इजलास में हजारों की भीड़ को इकट्ठा किया था। इससे भी बढ़कर अगर बताया जाए कि शराब की दुकानों के सामने जिस कदर हर शहर में भीड़ नजर आ रही थी, कितने लोगों पर मुकदमे दायर किए गए, ऐसे भी सवाल आवाम की जानिब से पूछे जा रहे हैं और पूछने भी चाहिए। पहले किसी तरह तबलीगी जमात के आड़ में मखसूस माशरे को बदनाम करना और अब इन पर मुकदमे दायर कर चार्जशीट दायर करना, अदालतों में दिन भर खड़ा कर इन पर 5,000 का जुर्माना भी लगाना है, किसी नफरत का ही हिस्सा हो सकता है। लिहाजा अदालतों के इन फैसलों पर काफी एतराज किया जा रहा है। क्यों ना सिर्फ बड़े इजलासों में बल्कि जी न्यूज जैसे स्टूडियोज में भी पूरे लोग पॉजिटिव पाए गए थे। अब तो हर रोज सैकड़ों की तादाद में पॉजिटिव पाए जा रहे हैं और मौतों के आंकड़े भी बढ़ने लगे हैं। तो क्या अब हुकूमत उन सियासी लीडरों पर भी मुकदमे दायर करेगी जिनकी वजह से कोरोना महामारी फैलने में मदद हुई थी? सवाल जरूर पूछे जाएंगे। जब फैसले एक तरफा होने लगेंगे तो सवाल पूछना भी लाजिम होता है। इत्तेहाद न्यूज़ देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।